मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा तहसीलदार के नाम एक ज्ञापन देना था। जब वो वहां पहुंची तो वहां पर तहसीलदार नहीं थे और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर ज्ञापन लेने आया। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के ज्ञापन लेने न आने से आंगनवाड़ी सहायकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने तहसीलदार परिसर के बाहर ही खड़े होकर तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए और गुस्से में वो बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गई। एसडीएम साहब के यहाँ हमको ज्ञापन देना था राज्य कर्मचारी संघ का, वो हमने ज्ञापन वहाँ लगवाया। तहसीलदार साहब को हमने कल जो है नोटिस दिया था, सूचना दी हुई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ का ज्ञापन देना उनके मांगों के संबंध में। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ तहसील कार्यालय पर गया, कम से कम आधा घंटे और पौना घंटे इंतजार किया। तहसीलदार ना तो नहीं थे, ना नायब तहसीलदार थे, ज्ञापन लेने कोई उपस्थित नहीं हुआ। कार्यालय में भी मैंने भेंट की, किसी बाबू ने कोई मतलब रिस्पांस नहीं दिया और कोई ज्ञापन लेने को तैयार नहीं था। अब जैसा कि ज्ञापन नहीं लिया गया है, अब इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? ऊपर ये है कि मैं कलेक्टर साहब को इसके लिए रिपोर्ट करूँगा, लेटर लिखूँगा और भविष्य में इसके लिए अगर हम कर्मचारी संघ का हो या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ का हो, किसी भी संगठन का कोई ज्ञापन है और हम यदि सूचना देते हैं तो उसकी व्यवस्था माननीय कलेक्टर को अथवा तहसीलदार को अथवा एसडीएम को, जैसा जिसको भी देना है, उसको जिसको हम सूचना देते हैं उन्हें उसकी व्यवस्था करना चाहिए। अगर वे अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें उसके ज्ञापन लेने के लिए निश्चित तौर पर व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि हमारी जो है ज्ञापन भी लग जाए और अनावश्यक रूप से कर्मचारी और कार्यकर्ता परेशान ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।